subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीपावली साहब का नाम देने के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर जो शुरुआत से काम कर रहे हैं वो है उरण के एमएलए महेश बाल्दी साहब। बाल्दी साहब, बहुत बड़ी बात आज जो देखने मिली और जो आपने बार बार कहा था, हमारे शो पे भी आके कहा था कि ये सिर्फ यहाँ के एक समाज की बात नहीं है, ये सभी समाजों की बात है, भूमिपुत्रों की बात है, आज ये नज़र आया आंदोलन में। 100% ये कोई एक समाज नहीं था, पूरा भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त स्थानीय इसकी मांग है कि मेरे यहाँ पे ये जो नवी मुंबई देख रहे हैं, यहाँ का हर प्लॉट 12.5% का हो, 22 का हो, इसकी देन दीपा पाटिल साहब, और उन्हीं का नाम देना चाहिए। इसके लिए प्रकल्पग्रस्तों का जो सेंस है वो बड़ा क्रोधित है, और ये सरकार अगर नहीं मानेगी तो सरकार, जो सरकार नहीं मानती है उसको मनाना जनता को आता है, तब बदल देगी सरकार। तख्त की बात कर रहे हैं, आपने कहा था कि हम राजा को मिलने गए थे लेकिन वहाँ पे एक बेटे से बात हुई। हाँ, तो हमने कहा था उनका नाम ना लो लेकिन मेरे ही बाप का नाम लगना चाहिए, मेरे ही पिताजी का नाम लगना चाहिए, ठान रखी है राजा ने, तो वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए तो लोग रास्तों पे लाखों के तादाद में उतर रहे। आज कितनी कठिनाइयाँ हुई होगी प्रशासन को ट्रैफिक के लिए, इसके लिए किसको, और कोविड का रीज़न देते हैं, कोविड हमें ही लगता है, ठहराव करते वक्त शर्म नहीं आई कि महाराष्ट्र में लोग मर रहे हैं, देश में लोग मर रहे हैं, तो हमने अभी नहीं करना चाहिए, स्थगित कर देते, लेकिन करने की नियत और दानत दोनों नहीं है, दोनों में गड़बड़ है। पंडित साहब, आज जिस तरह से देखा गया कि हालांकि मनसे से राज ठाकरे साहब ने छत्रपति शिवाजी साहब का नाम कह दिया था, आज राजू पाटिल यहाँ पहुँच गए, महाविकास अघाड़ी की बात हो रही थी, हुसैन दलवाई यहाँ पहुँच गए, ये क्या कह रहे हैं ये सब? नहीं नहीं, ये सब कह रहे हैं कि ये जमीन, हकीकत ये है, कोई कुछ भी कहेगा, ये उसको एक्सटेंशन कह देगा तो कोई नहीं सुनेगा, ग्राउंड रियलिटी पब्लिक, हर भूमिपुत्र, हर प्रकल्पग्रस्त इस नाम के साथ है। और हुसैन दलवाई साहब से भी हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि दीपा पाटिल खुद एक ऐसे व्यक्तिमत्व थे, करप्ट नहीं थे और मेरा पर्सनल रिश्ता था, तो ये जो रिश्ता पर्सनल थे दीपा पाटिल से सभी भूमिपुत्रों के साथ भी, ये आज बहुत मायने रखता है। 100% दीपा पाटिल क्लीन, नीट, क्लीन और जिंदगी भर लोगों के लिए, भूमिपुत्रों के लिए संघर्षरत रहता थे, जो एम्बुलेंस में बैठ के भी आंदोलन किया था, ऐसे आदमी का नाम दीजिए, यही तो विनंती करने आए लोग, और नहीं देंगे तो आप लोगों की आगे की रणनीति है, पूरा काम बंद कराएंगे, पूरा काम 15-16 अगस्त से काम बंद करेंगे सब, ये चारों ओर से इस काम को बंद करेंगे, उसमें क्या है, अगर सरकार नहीं मानेगी तो मनवाने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है आज सरकार को स्ट्रांग मैसेज गया है? अगर सरकार के दिल है, हृदय है और संवेदनशील सरकार, ये जो बात है अगर ये रहेगी तो जरूर मैसेज गया, लेकिन अगर मैंने ठान लिया है, छल और कपट से आए हुए राज्य में ऐसे ही होता है, ब्लैक स्टैपिंग करके आए, इनके नाम पे आए क्या, चुन के नहीं आए, ये तो कांग्रेस राष्ट्रपति को वोट ही नहीं दिए थे लोगों ने, लेकिन ये जब चोरी चपाटी से सरकारें बनती है ना, इसमें ऐसे ही नाम देना, कल हम रहे न रहे तो उसका भरोसा नहीं, इसके लिए आज के दिन में ये लोग नाम दे रहे हैं। फाइनली बाल्दी साहब, आज किसी भी पार्टी का झंडा नहीं दिखाई दिया, सिर्फ दीपा पाटिल साहब का झंडा, ये आंदोलन में कोई पार्टी का झंडा नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं, सब भूमिपुत्र एक साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाल्दी साहब। तो ये थे बाल्दी साहब, बहुत ही साफ के साथ में एग्रेसिव भी हो रहे हैं, साथ में एक इमोशनल अपील भी है सरकार को कि अब तो कम से कम आप दीपा पाटिल साहब का नाम दे दें, आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहुत साफ है कि ये अटल है कि 15 अगस्त तक अगर नहीं दिया गया तो ये एजिटेशन और इंटेंसिफाई हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रेणुसर के साथ मोहिद्दीन जेडी, पाम बीच रोड, नवी मुंबई, आवाज टुडे। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।